साधना प्लस पर पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह पहुंचे कैथल। मंत्री ने कहा धरने पर चार महीने से बैठे हैं किसान, समस्या का हल बातचीत से ही निकलेगा। कानून को लेकर किसान का धरना लगातार जारी। धरना स्थल पर किसानों ने पक्के घर बनाने की शुरू, प्रशासन ने कड़े शब्दों में की चिंता। कृषि कानून के खिलाफ महापंचायत का हुआ आयोजन। स्वराज इंडिया के प्रमुख ने सरकार के खिलाफ बोले तीखे बोल, कहा बंगाल चुनाव में जनता बीजेपी को सिखाएगी सबक। फरीदाबाद के सराय ख्वाजा में छात्र ने की आत्महत्या, स्कूल के छत से कूदकर दी जान, परिजनों का रो रोकर हुआ बुरा हाल। चलिए खबरों से करेंगे शुरुआत। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह कैथल पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि पिछले चार महीने से किसान धरने पर बैठे हैं और पहले उनसे बातचीत होती रही है लेकिन अब बातचीत रुकने की वजह से तनाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि बातचीत को दोबारा शुरू किया जाए क्योंकि इस समस्या का हल बातचीत से ही निकलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बातचीत का रुकना न बीजेपी के लिए सही है और न ही केंद्र सरकार के लिए हितकारी है और ना देश के लिए और ना किसानों के लिए हितकारी है। बता दें कि सबको मिलकर इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी तब जाकर इस समस्या का हल होगा। उन्होंने कहा कि उनके समर्थकों और कार्यकर्ता हर साल 25 मार्च को उनका जन्मदिन मनाते हैं लेकिन इस बार नहीं मनाएंगे और उनके 75वें जन्मदिवस के मौके पर 75,000 लोगों का हस्ताक्षर किया हुआ एक मांग पत्र प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा जिसमें मांग की जाएगी कि किसानों की समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। आदेश पे आज ये 15 मार्च का सारी जिले की ट्रेड यूनियन ने कर्मचारी संगठन जो सरकार एक निजीकरण कर रही है उसके विरोध में एक ज्ञापन दिया जाना था राष्ट्रपति साहब के नाम और डीसी साहब के माध्यम से। तो हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे तो हमने काफी देर वहां इंतजार भी किया, समय भी दिया डीसी साहब को, लेकिन फिर नायब तहसीलदार आए, उन्होंने भी जैसे मिसबिहेव किया कि मतलब अच्छी तरह उन्हें बर्ताव नहीं किया अपना। शहीद किसान मोर्चा के आदेश पे आज ये और तीन कृषि कानून के विरोध में पंजाब हरियाणा के किसानों का टिकरी बॉर्डर पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी तब तक किसान घर वापसी नहीं करेंगे। वहीं धरने पर बैठे आंदोलनकारी किसानों ने धरना स्थल पर पक्के मकानों का निर्माण करना भी शुरू कर दिया है जिसको लेकर झज्जर जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। प्रशासन ने आंदोलनकारी किसानों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर कोई भी किसान धरना स्थल पर पक्के मकान का निर्माण करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहादुरगढ़ के एसडीएम जितेंद्र ने संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा किसान के पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था कराने की मांग की है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और धरना स्थल पर बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था की सुविधा दी जाए। बताते चले कि संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर पक्के निर्माण नहीं करने की बात कही है। उनको अवगत कराया है कि जो पक्के निर्माण हो रहे हैं वो किसी भी कीमत पर जो है अलाउड नहीं किए जाएंगे और इसके अलावा बोरवेल भी नहीं किए जाएंगे और जो अगर पहले हुए हैं तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये उनको हमने अवगत करा दिया है। इसके अलावा उनकी कुछ मांगे थी जो पानी को लेकर के, गर्मी बढ़ रही है तो पानी को की सप्लाई हमने बढ़ा दी है, थोड़ा सा क्या नाम है सफाई के कर्मचारी बढ़ाए गए हैं और इसके अलावा फायर ब्रिगेड है या लाइट है वो व्यवस्था जो है हमने सुनिश्चित। और कृषि कानून, महंगाई और निजीकरण के विरोध में किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंचायत, खाप किसान, सामाजिक और कर्मचारी संगठनों ने स्मॉल सेक्रेटरी में काफी देर तक बवाल काटा। वहीं डीसी ने नाम भी ज्ञापन सौंपा गया है और नहीं लेने पर किसानों ने भारी गुस्सा देखने को मिला है। साथ ही भड़के किसानों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर डीसी खुद मौके पर नहीं आएंगे तो सभी किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और इसका जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की होगी। बताते चले कि रोज प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय के गेट किसान पहुंचे और वहीं काफी हो हल्ला किया गया।
काफी देर बाद डीसी किसानों के बीच पहुंचे और ज्ञापन लेते हुए उचित माध्यम से सरकार को भेजने की बात कही है। शहीद किसान मोर्चा के आदेश पर आज ये 15 मार्च का सारी जिले की ट्रेड यूनियन ने कर्मचारी संगठन जो सरकार एक निजीकरण कर रही है उसके विरोध में एक ज्ञापन दिया जाना था राष्ट्रपति साहब के नाम और डीसी साहब के माध्यम से। तो हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे तो हमने काफी देर वहां इंतजार भी किया, समय भी दिया डीसी साहब को, लेकिन फिर नायब तहसीलदार आए, उन्होंने भी जैसे मिसबिहेव किया कि मतलब अच्छी तरह उन्हें बर्ताव नहीं किया अपना। 40-50 लोग थे, आप स्वयं उसके विटनेस हैं और आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। नायब तहसीलदार लेने गए, नायब तहसीलदार को उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया, उसके बाद मैंने नगराधीश को भेजा, उनको ज्ञापन नहीं दिया। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप 10-15 लोग जो हैं वो आ जाइए, तो वो भी अपने उनके अपने मूड में थे, आक्रोश के मूड में थे, कोई बात नहीं है उनकी आक्रोश उनको लगता है तो उन्होंने किया, तो फिर भी मैंने जाके उनसे और ले लिया। और अगली खबर पन्हाना से है जहां मेवाती किसान मोर्चा ने हरियाणा राजस्थान के सुनहरा बॉर्डर पर 63वें दिन कृषि कानून के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर दर्शन पाल सिंह, स्वराज इंडिया के प्रमुख और किसान मोर्चा के प्रतिनिधि योगेंद्र यादव ने महापंचायत में शहीद सहन खां मेवाती के शहादत दिवस पर खिराज अकीदत पेश की है। वहीं धरने पर बैठे किसानों का हौसला बढ़ता हुआ कहा कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और साथ ही समर्थन में उनको झुकने भी नहीं दिया जाएगा। और साथ ही स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा कि ये सरकार वोटों की भाषा ही जानती है, लिहाजा हम असम और पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां की जनता से बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की जाएगी। कि अब ये संदेश धीरे धीरे पूरे समाज में फैल रहा है, ये वो इलाका है जहां महिलाओं की शिक्षा शायद देश में सबसे कम है, उस इलाके की महिलाएं जब उठ रही हैं, इसका मतलब देश का अंतिम छोर अब खड़ा हो रहा है। ये आंदोलन दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, दबा नहीं है, फैल रहा है। और ये जो तीन कानून है, ये तीन कानून मर चुके हैं। और यमुनानगर में 2 दिन का बैंक का हड़ताल हुआ है, बैंक कर्मचारी और अधिकारियों की हड़ताल से सरकार को भारी नुकसान हुआ है, कर्मचारियों ने निजीकरण होने के विरोध में हड़ताल किया है। वहीं बैंक कर्मचारियों ने सरकार को गलत बताते हुए कहा कि किसान प्रदर्शन के इतने समय बाद भी किसानों की नहीं सुनी गई, वहीं अगर बैंक कर्मचारियों ने यूं ही आंदोलन जारी रखा तो देश की आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएगी। की तरफ से हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि आज की डेट में 120 दिन से ज्यादा हो गए सरकार के खिलाफ जो किसान बैठे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार ने उनकी नहीं सुनी। 4-5 वार्ताएं करने के बाद वो भी फेल होगी, शायद सरकार पे लगता है कि बैंक का हड़ताल, जो 10 लाख कर्मचारी बैंक के हड़ताल पे गए हैं, शायद इनसे भी कुछ ना हो। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जब 10 लाख कर्मचारी बैंक को ताला लगा के सड़कों पर बैठेंगे, बैंक के थ्रू जितनी भी गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था ये पूरी की पूरी डगमगा जाएगी। मुख्य रणनीति है, अगर सरकार ने हमारी ये 2 दिन की हड़ताल है उसको अगर मान लिया कि हम बैंकों का कोई निजीकरण नहीं करेंगे और जो नेशनलाइज बैंक है वो नेशनलाइज ही रहेंगे, तो आगे की रणनीति हमारी एक स्मूथली काम करने की रहेगी और जो इसके लोगों को जो है ना सेवाएं देने की एजिटी जारी रहेंगी। और अगर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो हमारी जो UFBU है, जो हमारी 9 जिलों में जिन्होंने हड़ताल की है, उनके लीडर्स जो भी आदेश देंगे हमें वो हम उनका पालन करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार कला अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने शिमला विधानसभा का घेराव कर कला अध्यापकों के प्रदेश में खाली पड़े 1500 से अधिक पदों को भरने की मांग की है, साथ ही भर्ती न करने पर भूख हड़ताल और अनशन की चेतावनी भी दी गई है सरकार को। बेरोजगार कला अध्यापक संघ के अध्यक्ष मुकेश भरद्वाज ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 साल से बीजेपी सरकार प्रदेश में कला अध्यापकों की भर्ती नहीं कर रही है, इस बार भी बजट में कला अध्यापकों के पद को भरने को लेकर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। प्रदेश में
लगभग 5000 बेरोजगार कला अध्यापक है जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर मोगा से है, जहां प्रकृति पार्क से डीसी कार्यालय तक पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध मार्च निकाला है। आपको बता दें कि छात्रों को केंद्र सरकार ने जारी छात्रवृत्ति के लिए निकाल दिया गया है। वहीं छात्रों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रशासन उन्हें कॉलेज में सभी छात्रवृत्ति जमा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर मनप्रीत कौर और सुखदीप कौर ने कहा है कि कुछ दिनों पहले छात्रवृत्ति राशि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आ रही थी, जिसका राशि का हकदार छात्र ही होगा। मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत विद्यार्थियों के खाते में वजीफा आया, जिहड़ा विद्यार्थियों का हिस्सा है विद्यार्थियों ने रखना ही रखना नाल कालजा दे विचों जिहड़े कालज आ उन्होंने फीस के नाल ना वजीफा भी होना शुरू करता हुआ कालजा के खात्या आने की बजाय विद्यार्थियों के खात्या आया। विद्यार्थियों तो खो के कालज कह रहे कि सानू दो सारे पैसे, कोई लिखती नोट नहीं सरकार वालों। असल दे विचों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम दे पंजाब सरकार दा हिस्सा रादौर के झिवरेहड़ी में ऐतिहासिक गुरुद्वारा कथा साहिब के रख रखाव को लेकर गुरुद्वारे की लोकल कमेटी और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल के बीच तकरार चल रही है। तकरार को लेकर आज हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जसबीर सिंह खालसा ने गुरुद्वारा थड़ा साहिब में मीडिया से बातचीत की। वहीं इस मौके पर खालसा ने कहा कि बीती 13 मार्च को अमावस्या के दिन हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल लगभग 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को लेकर जिस तरह गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे, तो इससे गुरु घर का अपमान हुआ है, जिससे लोगों में भारी रोष है। दादूवाल जी, बलजीत सिंह दादूवाल जिन्होंने एक ऐसा काम कर दिता वे हरियाणा के विच जो अज तो 70 साल पहला ना श्रोमणी कमेटी का टाइम होया ते ना ही पहला साढ़े हुण असीं 14 विच इत्थे आए हां 2014 च तो बाद होया। उन्होंने ऐसा काम किया है कि इत्थे घट्टो घट 100 बंदा फोर्स का लैके जिवें धार भी आते ने इस तरीके नाल आए ने और आके ते इत्थे कदी किसी नूं तमका ते कदी किसी नूं तमका ते कदी किसी नूं कुछ कह। और जालंधर नगर निगम के तहबाजारी विभाग के सुपरिटेंडेंट मनदीप सिंह के खिलाफ जालंधर के श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्तियों को आखिरकार पुलिस ने उठा दिया है। पुलिस ने मनदीप सिंह और उनके साथियों की शिकायत के बाद भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को उठाया है। बलवीर सिंह खालसा नाम का व्यक्ति जिसने सुपरिटेंडेंट मनदीप सिंह के खिलाफ एक दिन पहले भूख हड़ताल शुरू किया था, जिसके बाद मनदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि बलबीर सिंह के खिलाफ 2018 में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस शिकायत में किसी व्यक्ति ने यह आरोप लगाया था कि बलबीर सिंह ने नगर निगम की जगह पर ढाबा खोल रखा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उसका ढाबा बंद किया था। उसके 3 साल बाद राजनीति से प्रेरित होकर उनके खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है। साथ ही मनदीप सिंह का कहना है कि उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई, किसी को निजी रूप से परेशान नहीं किया। किसी व्यक्ति लखबीर सिंह खालसा नाम के व्यक्ति ने गुरुतेग बहादुर नगर गुरुद्वारे के बाहर एक धरना लाया, जिथे उन्हें एक पोस्टर लिख के लाया कि मैं मनदीप सिंह मिट्टू सुपरिटेंडेंट के खिलाफ धरना ला रहा, क्योंकि इन्हें तकरीबन 3 साल पहला मेरा ढाबा ढाया सी, हुण 3 साल सुता रहा ते हुण उठ के किसी न किसी की शह के उत्ते सियासी शह के उत्ते उन्हें जानबूझ के उत्ते धरना लाया ताकि मनदीप सिंह मिट्टू जी नूं बदनाम किया जा सके। 25 साल की सर्विस च इन्हां दे उत्ते कोई दाग नहीं है, ना ही कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इन्हां दे खिलाफ हुई है, ना ही इन्हां नूं कदी पनिश किया गया।
और फरीदाबाद के सराय ख्वाजा के सरकारी स्कूल से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां स्कूल में 11वीं के छात्र की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक स्कूल की दूसरी मंजिल से दिवेश नाम के 11वीं के छात्र ने कूदकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने आनन फानन में छात्र को QRG अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही छात्र के मौत से परिजनों में मातम छाया हुआ है। मामला ये था सर, मेरे स्कूल के टाइमिंग जो है वो बच्चों के लिए 9 से 12:30 का टाइम है, लेकिन स्टाफ जो है वो टाइमली आ जाता है, क्योंकि कोविड की जो गाइडलाइन है उसमें सैनिटाइज करवाना, बच्चों की स्क्रीनिंग करना, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं, तो बच्चे बेचारे 8:30 के आसपास मेरे स्कूल में आने शुरू हो जाते हैं। तो टीचर्स अपने यहाँ तैयार थे, स्क्रीनिंग के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई थी। वो बच्चा हमें भी नहीं मालूम कि कैसे 8:30 वो आया है और वो ऊपर पहुंच गया है, ऊपर जाके, क्योंकि सारे कमरे क्लोज होते हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जीतू कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जीतू, सबसे पहले तो आपसे विस्तार से जानना चाहूंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी मैं आपको बता देता हूँ कि फरीदाबाद के सराय का ये गठित मामला है, जहाँ सकुल में 11वीं के छात्र की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सकुल की दूसरी मंजिल से तेज नाम के 11वीं के छात्र ने छलांग लगाई और नीचे गिर गया। सभी की परिस्थिति को देखते हुए सकुल प्रशासन ने आनंद फानंद छात्र को क्योंकि अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस बारे में हमने प्रधान कार्यालय नीलम कौशिक से बात करी तो उन्होंने बताया कि छात्र सकुल के वक्त से पहले ही सकुल में दाखिल हो चुका था, कब ऊपर गया इसका पता उन्हें नहीं चला। अचानक आवाज आई, दिवेश 11वीं का छात्र है, अचानक से नीचे गिर पड़ा और दिग्ध परिस्थिति देखते हुए सकुल प्रशासन ने आनंद फानंद छात्र को क्योंकि अस्पताल पहुंचा दिया। जी बिल्कुल जीतू, ऐसे में ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि आखिर क्या परिजनों की तरफ से इस बात का पता चल पाया है कि आखिर क्या कुछ कारण रहा कि बच्चे ने आत्महत्या जैसे कदम उठा लिए। जी मैम, जो उनके परिजन हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे के सामने आए नहीं, वो मीडिया के सामने आने देते, वो भतमर कर रहे थे, उन्हें को पता नहीं था कि मेरे लगता है ये कदम उठा देगा, नहीं कोई झगड़ा था नहीं कुछ। जी फिलहाल जो स्कूल प्रबंधक है उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, क्योंकि छात्रों ने जैसा हमने देखा कि स्कूल के छत से ही छलांग लगाई है और आत्महत्या की है। जी मैडम, हमने जब प्रधान कार्यालय नीलम कौशिक से बात करी तो उनका कहना था कि जो छात्र स्कूल के वक्त से पहले ही स्कूल में दाखिल हो चुका था और कब ऊपर गया इसका बात तो उन्हें पता नहीं चला। अचानक से आवाज आई तो वो जो दिवेश था 11वीं छात्र का, वो धड़ा से नीचे गिर गया और परिस्थिति देखते हुए स्कूल प्रशासन ने आनंद फानंद छात्र को क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचा गया। जी जी बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आखिर पुलिस इसके ऊपर आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जीतू। और पलवल में लोग प्रशासन से नाराज हैं। दरअसल रोड न बनने से स्थानीय लोग नेताओं से नाराज है। जवाहर नगर कैंप की 15,000 से ज्यादा संख्या रसूलपुर रोड के मोक्षधाम शमशान घाट पर जाती है। बता दें कि भंगुरी रोड के किनारे पर बना मार्ग जवाहर नगर कैंप से रसूलपुर रोड स्थित शमशान घाट की ओर जाता है। इस रोड के ऊपर उबर खाबड़ रास्ते में हल्की सी बरसात का पानी कीचड़ में बदल जाता है और इसी वजह से लोग शव यात्रा लेकर मोक्ष धाम पर बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। लोगों का कहना है कि बीते कई सालों से ये मार्ग उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। वहीं भंगूरी रोड और किनारे को पक्का करने का काम कुछ साल पहले शुरू किया गया, जिसका शिलान्यास केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने किया था। कैंप के लोगों की मांग है कि भंगूरी रोड को सरकार पक्का करे तो ठीक, वरना शमशान घाट के एक तरफ का किनारा तो पक्का कर ही दे। सर जी, शमशान घाट का रोड जो है इतना ही बद से बदतर हुआ पड़ा है, ये आज से नहीं कई सालों से है। कई सरकारें आई कई सरकारें गई, लेकिन इस रोड का समाधान किसी भी सरकार ने नहीं किया। यहाँ तक कि एक छोटी सी बारिश में भी इतना जल भराव हो जाता है, शव को ले जाना वहाँ से पॉसिबल ही नहीं हो पाता। पलवल में यूं तो बेतहाशा विकास कार्य हुए हैं, लेकिन शमशान घाट को जाने वाला यह मार्ग ना तो
शासन बनवा सका और न ही प्रशासन। इसे लेकर जवाहरनगर कैंप की 15,000 की आबादी में शासन और प्रशासन के खिलाफ एक और जहां निराशा भी है वहां गुस्सा भी। जिला पलवल से साधना प्लस के लिए लव कुमार ढींगड़ा की रिपोर्ट। और एक तरफ जहां कोरोना काल के दौरान लगभग सभी उद्योग के धंधे चौपट हो गए, वहीं इसी दौरान अबकारी और कराधान विभाग ने पहले सालों की अपेक्षा इस बार 30% अधिक कमाई की है। आपको बता दें कि यमुनानगर डीटीसी ने बताया है कि कोरोना काल में यमुनानगर जिला में 178 करोड़ रुपए राजस्व जमा हुआ है। यमुनानगर में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के राज्य सीमा से लगते हैं, जहां से अवैध शराब की तस्करी होती है, लेकिन पिछले कुछ समय में प्रशासन द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के कारण बाहर से आने वाली शराब पर रोक लगा दी गई है। इसी दौरान हुए लॉकडाउन में शराब की बिक्री पहले से कई गुना अधिक हुई है। डीईटीसी अमित खंडवाल का कहना है कि फरवरी 2020 तक जहां विभाग को 136 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त हुए हैं, वहीं फरवरी 2021 तक 178 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में शराब से जमा हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस समय दो नंबर की आने वाली शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जिसके चलते सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। में लिप्त होते हैं उन्हें पकड़ के उन पर जुर्माना लगाया जाता है। जो पुराने कानून के तहत जिन पर जुर्माना लगा हुआ है और वाहन खड़े हैं उनके हम उनको नोटिस देते हैं। नोटिस लेके उनसे कहते हैं कि इनका जुर्माना भरा के इनके आप छुड़ा के ले जाइए। अगर वो नहीं लेके जाते, कई वाहन ऐसे होते हैं कि लावारिस होते हैं या वो छोड़ के भाग जाते हैं, तो ऐसे केस में हमने जुर्माना लगा के जो वाहन खड़े हैं उन्हें हमने नोटिस दिया। बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट जो उनके वाहनों में हमें मिले, उनके मालिकों को हमने नोटिस भेजा, उन्हें ऑफर किया कि आप इसके जो भी इसकी राशि बनते हैं जो मानो जमा करा के अपने वाहन को छुड़ा कर ले जाएं। और सेना में भर्ती के लिए फिजिकल से पहले कोरोना संक्रमण की जांच कंपलसरी की गई है। बता दें कि कोरोना जांच के लिए ली जाने वाली फीस पर युवाओं ने नाराजगी जताई है। महेंद्रगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना की जांच के लिए खिड़की पर लंबी कतार देखने को मिली है। ये कतार आम आदमी की नहीं बल्कि उन युवाओं की है जो कल देश की सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का भाव रखते हैं। इस बार सेना में भर्ती के लिए फिजिकल से पहले कोरोना की जांच कंपलसरी की गई है, जिसके लिए युवा वर्ग अपनी जांच करवाने के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचे हैं, लेकिन उनकी एक नाराजगी है कि उनसे इस जांच के लिए 700 रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि बेरोजगार युवाओं के लिए इसका भुगतान कर पाना बड़ी मुश्किल की बात है। इस तरह कोरोना जांच के लिए ली जाने वाली फीस पर युवाओं ने नाराजगी जताई है। सेना भर्ती के लिए हम आए हुए थे और वहाँ पर कोरोना की रिपोर्ट की मांग रखी है, आगे फिजिकल के दौरान कोरोना रिपोर्ट मांगी गई और यहाँ पर कोरोना की रिपोर्ट के मामले में हम यहाँ आए तो यहाँ पर 700 रुपए ले रहे थे, ये नाजायज है और यहाँ पर लूटपाट कर रहे हैं और 110 रुपए पर 700 रुपए लिए जा रहे हैं, ये नाजायज है। प्रॉब्लम ये है जी, बहुत काफी भीड़ लगी हुई है और बच्चे नानोड़ में आम बच्चे करवा रहे हैं और यहाँ में मेरे गाँव के 50 बच्चे आए हुए हैं और किसी का कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा, क्या कारण है? मैं पूछते हैं तो लाइन में लगाओ, लाइन कितनी बड़ी लगी हुई है, 700 रुपए फीस ले रहे हैं, ये क्या मामला है? मैं बता रहे हैं, कुछ पूछते हैं डॉक्टर से। और जालंधर में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री से सिविल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को 3 जिलों में N440K के नाम वाले इस स्ट्रेन के 3 मरीजों में लक्षण पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर तृप्तपाल सिंह सद्धू ने की है। बता दें कि पंजाब के जलंधर, नवाशहर और होशियारपुर में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। इसके साथ ही प्रशासन ने 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू इस स्ट्रेन को लेकर कल बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो मंगलवार को नवाशहर, जलंधर और होशियारपुर में जाकर स्थिति की समीक्षा करेंगे। कोई भी वायरस हो गए, वो बेशक कोविड है या साधारण असी कोई कहने फ्लू वायरस है या किसी तरह का वायरस है, यदि एक बेसिक आदत समझ लो या प्रोसीजरल समझ लो भी, कुछ समय बाद अपनी शक्ल चेंज कर लेंगे। शक्ल चेंज करने तो भाव है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के बच्चे प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे, जो सीक्वेंस डिसरप्ट हो जाए या चेंज हो जाए।
और साल 2014 से 2019 तक के 7 मुकदमों में बरामद अवैध शराबों को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि हेडक्वार्टर में डीएसपी सुधीर तनेजा की देखरेख में अवैध शराब को जमीन में दबाकर नष्ट किया गया। साथ ही पुलिस ने कोर्ट से आदेश लेकर नियमानुसार एक कमेटी गठित कर 441 बोतल 8 बियर और 102 कच्ची शराब की थैली को जमीन में दबाया है। वहीं 7 मुकदमों में पुलिस ने अवैध शराब को बरामद किया है। हेडक्वार्टर में डीएसपी सुधीर तनेजा की टीम में स्थानीय प्रभारी भी मौजूद रहे। और दुकान की छत तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि सोमवार की रात को दुकान की छत को तोड़कर उसमें चोर घुस गए और पूरे लूटकांड को अंजाम दिया। अगली सुबह दुकान खोलने पर दुकान मालिक के होश उड़ गए। बदमाशों ने गांव में एक निजी मेडिकल स्टोर को अपना निशाना बनाया है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां 2 दिन पहले नौकरानी से मारपीट और बेटी के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया था। बता दें कि मामले का खुलासा होने के बाद भले ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया हो, लेकिन आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके चलते लगातार विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बोला कि अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन मुझे उनकी आज वो पिछले 3 दिन से ऐसे ही घूम रहे हैं, हमें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, जबकि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और दुष्कर्म मामले में आरोपी का नाम हटाने के बदले आरोपी से रिश्वत लेने वाली महिला थाना में कार्यरत एएसआई सुमन को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एएसआई से पूछताछ की जा रही है। और भिवानी में अपने गांव कुसुम में जा रहे एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारे मामले का खुलासा किया जाएगा। वो आदर्श आईटीआई में चौकीदार की नौकरी करते थे और डेली शाम को आते थे, सुबह चले जाते थे। आज सुबह 5 बजे ड्यूटी करके जा रहे थे तो अज्ञात वाहन ने देवसर मोड़ के समीप उनके व्हीकल को टक्कर मार दी, जिनकी उनके मौके पर मौत हो गई। क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं, हम 3 भाई बहन हैं, जो भी जिस प्रकार की आर्थिक मदद हो वो हमारी की जाए। अगली खबर झज्जर से है, जहां बहादुरगढ़ CIA 1 पुलिस के हाथों में एक बड़ी सफलता लगी है। वहीं सूचना मिलने पर 4 लोगों को नशे की बड़ी खेप के साथ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 15 लाख रुपए की 123 किलो गांजा पत्ती बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इस गांजा पत्ती को आंध्र प्रदेश से लेकर आई है। आरोपियों द्वारा लाई गई ये नशे की खेप यूपी के नोएडा में सप्लाई की जाती है, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले ही इन सभी को गांजा पत्ती के साथ पकड़ लिया है। रात को हमारी CIA 1 बहादुरगढ़ की टीम जो है चेकिंग पे थी और इन्होंने एक इनोवा गाड़ी पुरसकी बनाकर रोक कर चेक किया और उसमें जो है ना बाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह बुलाकर ने। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।